नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल पंडित ब्रोज में। मैं नाम है लोकेश पंडित। मैं नाम रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। उसका टाइटल है हनुमान चालीसा पढ़ना गलत है बाय मौलाना अब्दुल्ला सलीम। जैसा कि दोस्तों आपको अपना मतलब कि इस वीडियो के नाम के टाइटल से पता चल रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ना क्यों गलत है, क्या ठीक है। मतलब कि हमारे हिंदू धर्म में जो हनुमान चालीसा उसका बहुत ही महत्व है। हम भी मतलब कि हनुमान चालीसा रोज शनि मंगलवार को पढ़ते हैं और बहुत हमारी लाइफ में बहुत महत्व है। मगर एक जो मौलाना है ये इस पर क्या बयान देता है और क्या बोलता है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। सो दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलकर वीडियो शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा परेशानी के वक्त में हिंदू भाई पढ़ते हैं, यहाँ पे भी नेपाल में भी पढ़ते हैं, हमारे बिहार में, हमारे बिहार और हमारे भारत में भी पढ़ते हैं, बल्कि एशिया महाद्वीप में ज्यादा पढ़ा जाता है। साफ साफ लफ्जों में पढ़ते हैं, जय हनुमान, जय मतलब जय हो, आप ऊपर रहे, आप आपकी जय हो, आपकी विजय हो, आप जिंदा रहे, आप आगे रहे, आप बढ़े रहे, जय हनुमान। जैसे जय हिंद बोलते हैं हम लोग इंडिया में, तो ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान जय नेकी करने वाली जात, जय ज्ञान वाली जात, जय गुण अकल शक्ति। रावण के लंके को यूं ही आग नहीं लगाया था, जब उसके पूंछ में उसके हनुमान जी के बहुत लंबी पूंछ थी, उस पूंछ में उन्होंने आग लगा दी। किन्होंने? रावण ने सोचा कि इसको जला कर मार देते, लेकिन वो ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, राम दूध श्री रामचंद्र जी के दूध थे वो, श्री रामचंद्र जी के खादिम थे वो, श्री रामचंद्र जी के एंजल थे वो, श्री रामचंद्र जी के फरिश्ता थे वो, ये समझ लीजिए। राम दूध अतुलित बल दामा, अनजन पुत्र पवन सुतनामा। पूरी लंबे कई मिनट लग सकते हैं इसको पढ़ने में। तो जब देखता है बच्चा, छोटा मासूम बच्चा होता है, अपने घर में देखता है कि अब्बा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजागर, राम दूध अतुलित बल दामा, अनजन पुत्र पवन सुतनामा। जब देखता है कि हमारे अब्बा तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो हनुमान चालीसा हिंदू भाइयों के यहाँ ऐसा मकाम रखता है जो जैसे आयतल कुर्सी हम लोग अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ये पढ़ते हैं हम लोग, उनके यहाँ माना जाता है उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों, गलत है। इसलिए गलत है, इसलिए गलत है, अभी मैंने एक मंत्र पढ़ा आप लोगों के सामने में। कौन सा मंत्र है? ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति। ये रटे हुए नहीं, हम रिसर्च करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग बोलते हैं, एतराज करते हैं कि मौलाना व्हाट इज नीड टू द रीड इन जलसा द सीरत लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां बोली जाती है सीरत, क्या जरूरत है वहां पर वेदांत को संस्कृत को पढ़ने के। हमने कहा कि भाई मुझे शौक नहीं, और फिर पता चला कि रिसर्च करने में इतना दिमाग खपता है, इतना दिमाग खपता है। हमने पांच किताबें जब जब पांच पांच दस दस सफे की पढ़ ली, तब जाकर वो असीमानंद जी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का जो एतराज था, जिहाद वाला एतराज, हमने उसके ऊपर कम से कम तीन से चार श्लोक ढूंढे हमने श्रीमद् भगवत गीता के, और हमको मिल गया। और हमने लोगों के सामने वो मंत्र रखे कि वही बंदा कहता था कि मोहम्मद तलवार वाले जिहादी थे। हमने कहा कि जिहाद लड़ाई को अलग रखो, लेकिन एक बात बता दो कि महाभारत के मैदान में श्री कृष्ण जी आए, कुरान में तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा में कहीं पर लड़ाई की बात नहीं, कहीं पर जंग बद्र की बात नहीं, कहीं पर जंग उहद की बात नहीं। लेकिन अगर सूरह फातिहा में पर कहीं पर लड़ाई की बात होती, तो ये हमारे सरस्वती जी, ये हमारे यति जी, ये हमारे गुरुजी, पता नहीं पांच पांच फीट उछल उछल कर माइक लेकर लोगों से कहते हो कि देखो ये कुरान है, पहली सूरत के अंदर में जंग की बात कही गई। वो उछल उछल कर कहते देखो ये सूरह फातिहा, जिस कुरान का पहला चैप्टर लड़ाई की बात करता हो, वो तीस पारे के अंदर क्या लिखा होगा। और ये मीडिया वाले भाई भी पूरी जमीन को आसमान पर सर पर उठा लेते, लेकिन अल्लाह का करम पूरे सूरह फातिहा में कहीं पर बात ही नहीं है जंग की लड़ाई की।
अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन तक देख लीजिए आपको पूरी सूरत अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की इबादत, उनसे मदद और बुरे लोग जिन पर अल्लाह के गज़ब नाज़िल हुए उनसे बचने की अल्लाह तबारक व तआला से दुआ और सीधे रास्ते की दुआ। ये तारीफ अल्लाह तबारक व तआला की ये एक्सप्लेनेशन है सूरह फातिहा का। तो हमने कहा कि भाई सूरह फातिहा में तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर ये बात नहीं, तो हमको बहुत ज्यादा बहुत दिनों से हमको ये थी कि मैं आखिर कहां से जवाब दूं उन लोगों को जो एतराज करते। तो उसके बाद हमने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू किया। हमारे हिंदू भाइयों, श्रीमद् भगवद गीता आपका पांचवा वेद माना जाता। मैंने श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत खूबसूरत मंत्र शुरू में पढ़ा, वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण मंदे जगत गुरु मा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुवल अव्वल वल आखिर वज़ाहिर वल बाती। इसका मतलब यही है कि वो ईश्वर हमेशा से है, वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बाती, देव की परमानंदम किस, और वो इस पूरी सृष्टि को नष्ट करेगा। इस सृष्टि को बनाने वाली जात वही है। कुल्लु मन अलैहा फान, ये कुरान की आयत है। लेकिन क्या कहा? ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात्, पूरा मंत्र पढ़ो। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देव की परमानंदम नाम वंदे जगत गुरु महा। ये है वो संसार को बनाया, वही खत्म करेगा, वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बाकी। ये बात कुरान करीम में अल्लाह के कुरान ने इस मंत्र की तस्दीक कर दी। अल्लाह के कुरान ने तस्दीक की। कुरान को मंत्र तस्दीक नहीं कर सकता। कुरान तस्दीक करता है पूरी दुनिया की किताबों का। तस्दीक अगर कहीं मिल जाए, मैच हो जाए, तो हमको शौक हुआ। हमने कहा कि आखिर कहां से मैं ढूंढ कर लाऊं, कहां से मैं जवाब दूं। तो एक रोज हम बैठे पढ़ रहे थे, हमने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता के शुरू से जरा एनालिसिस करते। जब हमने देखा तो सबसे पहला मंत्र, पहला मंत्र, पहला पहले अध्याय का पहला मंत्र, यानी पहले पारे का और पहली सूरत का पहली आयत, आप लोग समझ सकते हैं। समझने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो लिखा क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्च किं कुर्वत् संजय वसुदे एव मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थ उपवाविशत् स्वर्गीयम् कीर्ति कर्मजुनः ए अर्जुन ए पार्थ ए पार्थ। अर्जुन को कह रहे कौन? भगवान कृष्ण जी। अब क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है महाभारत के मैदान, धर्म की बात और जंग की बात कही गई श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में, पहले मंत्र में। अगर पहले मंत्र में कुरान में अगर जंग की बात होती तो हिंदू भाइयों बताइए क्या करते हैं? तो कुरान को ऐसे ऐसे फाड़ते, ऐसे ऐसे करते। क्यों? पहली सूरत में जंग की बात, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में है जंग की बात। तो हमको एतराज नहीं है कि जंग की बात क्यों है। हम मानते हैं कि जंग बवक्ते जरूरत जरूरी भी हो जाती है। क्यों जरूरत होती? आपके नेपाल में अगर कोई हमला करेगा, चाइना हमला करे, भूटान हमला करे, तो नेपाल की गवर्नमेंट तो बैठी रहेगी नहीं। नेपाल की गवर्नमेंट भी अपनी ताकत से जवाब देगी कि नहीं नेपाल। जैसा कि भाई हमने इस पूरी वीडियो को देखा दोस्तों, जो हमें इस वीडियो देख के समझ में आया, मतलब कि हमें जो मतलब इस वीडियो को देख के हमें जो लगा कि इन्होंने मतलब कि कोई बुराई नहीं करी है इसमें हनुमान चालीसा की, बल्कि उनका मतलब कि जो महत्व बताया है और उनको मतलब ये अपने मुस्लिम धर्म होके इन्होंने भी उसको मतलब कि बहुत महत्व दिया है और उसके मतलब बातों को फॉलो करा है उन्होंने और उनको बताया कि ऐसी बातें हमारे धर्मों में भी होती है और उनकी वैल्यू को माना है। हाँ, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारे मतलब जो हिंदू धर्म में मतलब घरों घरों में मतलब हनुमान, हर जो छोटा बच्चा हो उसको भी पता हो हनुमान चालीसा के बारे में, और क्योंकि जो हर घरों में मतलब सबको हनुमान चालीसा मतलब आती है मतलब, और जब भी हम कुछ भी कोई भी नेगेटिव स्पिरिट आती है या कुछ भी मतलब बुरी शक्ति होती है पास में, तो हम हनुमान चालीसा का नाम लेते हैं और उससे मतलब जो भी हमें पॉजिटिवनेस आती है और हमें उससे जो भी हमें ऐसे डर या कुछ ऐसा लगता है वो सारे जो डर है वो दूर हो जाता है हमारा। हाँ, उन्होंने दूसरा जो वाक्य बताया, इन्होंने यूं बोला कि मैंने घर मतलब कि जो खाली टाइम में मैंने भगवद गीता भी पढ़ी है। हाँ। उसके जो श्लोक थे उससे मैं काफी प्रभावित हुआ। हाँ। उसके मतलब उसने जो उनके श्लोक थे उनसे मतलब हमारे धर्म में भी वैसा ही होता। हाँ, है वैसे रिलेट करा। आपस में से कुछ सिमिलरिटी बताइए दोनों की, और दोनों को मतलब कि अच्छा महत्व बताया गया है।
हाँ, जैसे कि इनके धर्म में भी बताया कि जैसे कि ये जो मुस्लिम धर्म है इनके भी कोई हजरत अली कुछ मतलब ये कुछ नाम लेते हैं, मतलब कुछ मंत्र लेते हैं, वैसे ही हमारे हिंदू धर्म में भी हम जब भी हम कोई कष्ट में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो हम अपनी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हाँ और दोस्तों, तो मतलब कि हमारा तो यही कहना है कि हमें अपने धर्म के मतलब लोगों को मतलब कि इस भेदभाव की दुनिया से मतलब कि हटके परे मतलब देखना चाहिए चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, मतलब कि आप अपने ही धर्म की वैल्यू रखें, ना किसी धर्म को गलत बताएं, और इससे ही प्यार आपस में चारों में प्यार बना रहेगा। और आपने रामायण के बारे में सुना ही होगा कि मतलब जब जो राम है, मतलब जो सीता, जो रावण ने मतलब हरण कर लिया सीता का, फिर जो है मतलब हनुमान जी ने ही उनकी हेल्प करी थी, मतलब जो सीता को वापस लाने में। और जब उनके रावण मतलब उनके महल में गया मतलब रावण के, तो उन्होंने उसकी पूँछ में आग लगा दी थी, और वो इतने बलशाली थे मतलब कि जो उन्होंने अपनी पूँछ से मतलब वो तो जल नहीं थी, और उन्होंने पूरी लंका जो थी मतलब जो रावण की उनको आग लगा दिया था। मतलब देख लो कितनी बड़ी ताकत थी उनके, मतलब कितनी सबसे ज़्यादा ताकत थी। हाँ, और हनुमान जी को मतलब रामायण का एक मेन पात्र माना जाता है, हाँ उन्होंने कि मतलब उनकी जो बलशाली उनकी शक्तियाँ हैं उनका गुणगान, मतलब कि बिना रामायण में, उनके बिना रामायण मतलब कि पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती, मतलब कि हाँ राम जी जो थे उनके बिना असहाय रहते, मतलब कि उनकी हेल्प के बिना जो उन्होंने इतने बड़े बड़े पराक्रमी काम करे इस मतलब कि रामायण में, तो मतलब कि उसका कोई जवाब नहीं है। और आज भी मतलब कि उनको जीवन मतलब आजीवन रहने का वरदान मिला हुआ है श्री राम हाँ जी से, और आज भी वो पृथ्वी पे मतलब कि कभी कभी दिखाई दे जाते हैं लोगों को, कहते हैं कि वो हिमालय में उनका निवास है, वहाँ पे लोगों को मतलब वो कभी कभी दिखाई दे जाते हैं। सो दोस्तों ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाएं। नमस्ते जय श्री दोस्तों। राम।